गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका आज का डायरेक्ट बाजार न्यू रीच हेल्थ ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उनमें हम लोग पौष्टिकता बारे में, न्यूट्रिशन और वेलनेस के बारे में जो जितना भी पहलू है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें न्यूट्रिशन का बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट्स है न्यू रीच की हेल्थ एंड वेलनेस उसके बारे में बातें करेंगे, और कुछ हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाले हूँ। न्यू रीच का जो हेल्थ मिशन है वो है तीन। क्यों? एक, हम लोग जो कॉमन पीपल है उसको हेल्दी रहने का जो मिशन है वो लेके हैं। हम लोग जो सप्लीमेंटेशन तैयार किए हैं, जो आपका सामने हम लोग रखने वाले हैं, वो सफिशियंट सप्लीमेंटेशन है। उसके में जो 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 पोषक तत्व देना है और जिस मात्रा में देना है वो सही मात्रा में अपनों दिए हैं। सो आप लोग अगर एक सुपर हेल्थ और एक अगर डाया केयर या दूसरा जो प्रोडक्ट है वो लेंगे तो उसमें से आपको ये नहीं लगेगा जो आप जो लिए हैं वो आपके लिए ठीक ठाक नहीं है, एकदम सही मात्रा में दिया है। और जो हम लोग प्रोडक्ट जो बनाया है वो एकदम ISO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड पैंस में बने हैं, जो जिसमें काफ़ी हम लोग कंसंट्रेशन के साथ वो बनाया है। सो अच्छा प्रोडक्ट हम लोग के साथ रखने वाला है। सो वी हैव अनदर वंडरफुल प्रोडक्ट टोटल। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में कोई तोल नहीं है, जो अनमोल है। अनमोल इसलिए है, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हम लोग ऐसा कुछ पोषक तत्व दिए हैं जो किसी भी मार्केट का प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। बट बिफोर आई गो टू टोटल, हम लोग थोड़ा विटामिन और मिनरल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स और मिनरल्स ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में तैयार नहीं होते हैं, और शरीर का जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें ये एज ए एडिटिव फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जितना भी केमिकल्स रिएक्शन होता है उसमें विटामिन्स और मिनरल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और हर किसी केमिकल रिएक्शंस शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन्स बेसिकली दो हिस्सों में होता है, एक है आपका वाटर सोलबल विटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और बाकी जो विटामिन्स है वो है आपका फैट सोलबल विटामिन्स जैसे ADE और K। तो शरीर में आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो वाटर सोलबल विटामिन है वो शरीर में डिपॉजिट नहीं होते हैं, जैसे कि आप अगर ज़्यादा ले ले तो वो आपका यूरिन के साथ निकल जाएगा। बट अगर आप ज़्यादा फैट सोलबल विटामिन ले जैसे ADE K अगर ठीक ठाक मात्रा में नहीं है तो वो शरीर में एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जिसको बोलता है हाइपर विटामिनोसिस। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा विटामिन किस किस हिस्सों में काम करता है। जैसे आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए असरदायक विटामिन है विटामिन ASC, और मिनरल्स में आयरन, कॉपर, सेलेनियम एंड जिंक। एंटीऑक्सीडेंट सेक्शंस जो है, जो शरीर का पॉल्यूशन के साथ निपटने के लिए हम लोग हेल्प करता है, वो है विटामिन सी, विटामिन ए और मिनरल्स में मैंगनीज, सेलेनियम एंड कॉपर। आपका जो टीथ, गम और बोन हेल्थ है उसके लिए असरदायक विटामिन है ACD और K और मिनरल्स में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। स्किन और आइज के लिए असरदायक विटामिन है ASE और मिनरल्स में जिंक। और वाइटैलिटी, तंदुरुस्त के लिए चाहिए आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन। इसके साथ हम लोग जो एज ए होल जो मिनरल्स लेते हैं उसको हम लोग दो टाइप्स होता है, एक है मैक्रो मिनरल्स जो बड़ा साइज उसका मॉलिकुलर साइज ज़्यादा है जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। बट इसके साथ साथ कुछ माइनर मिनरल्स हम लोगों को चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सेलेनियम, जैसे क्रोमियम, बोरोन, आपका मॉलिबॉलिनम। ये सब क्या करते हैं ना, जो भी केमिकल रिएक्शंस मैं पहले भी बोला उसके साथ ये कर गए, पर्टिकुलरली आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ऊपर ये काफ़ी असरदायक है। तो टोटल में हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वो है आंवला दिए हैं, मोरिंगा दिए हैं, व्हीट ग्रास दिए हैं, बीट रूट, अल्फा अल्फा, मिंट, जिंजर, पम्पकिन, स्वीट पोटैटो एंड ब्लैक सॉल्ट। तो आइए देखते हैं जो एक एक जो पोषक तत्व है वो किस काम करते हैं टोटल के अंदर। आंवला को हम लोग गॉडफादर ऑफ सुपर फूड मानते हैं,
यह है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जिसमें आपका विटामिन सी का जो मात्रा है वो नींबू के 20 टाइम्स मोर है। और ये एक रिजुविनेटिंग हर्ब है बिकॉज यू सेल को रिजुविनेट करते हैं, और इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन के ऊपर काफ़ी असरदायक है। आपका अगर स्टोमक प्रॉब्लम्स हो जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, आपका जो वॉर्म्स होते हैं, एसिडिटी होता है, उसके ऊपर ये काफ़ी असरदायक है। आपका जो रेचन तंत्र है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जैसे पेनफुल यूरिनेशन हो सकते हैं, आपको यूरिन के साथ आपका खून निकल सकते हैं, बेड यूरिनेशन किसी किसी के प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे हमला काफ़ी असरदायक होता है। जेनरल फैटिक, जेनरल मेंटल डिसऑर्डर्स और स्वेटिंग का अगेंस्ट में आप अगर काम करना चाहें तो आपको आंवला चाहिए। मोरिंगा और एक यूनिक फूड है जहाँ पे जो पोषक तत्व है उसका मात्रा साधारण जो हम लोग खाना खाते हैं उसके कहीं गुण ज़्यादा होता है। जैसे इसमें आपका मिल्क में जितना कैल्शियम है उससे 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम मोरिंगा में है। आपका कैरेट्स में, गाजर में जितना विटामिन ए है उससे डबल क्वांटिटी विटामिन ए आपका मोरिंगा में है। आपका केला में जितना भी पोटेशियम है या ओट्स में जितना फाइबर है उसके 4 गुना फाइबर और पोटेशियम मोरिंगा में है। आपका पालक में जितना आयरन है उसका 9 गुना ज़्यादा आयरन आपको मोरिंगा में है। इसके हिसाब से मोरिंगा का अंदर 9.5% प्रोटीन है, और ये प्रोटीन में आपका सभी एसेंशियल्स अमीनो एसिड जो 9 तरह का होता है वो सभी के सभी है। 31% फाइबर है। फाइबर दो तरह का होता है, एक है आपका सॉल्युबल फाइबर और एक है इनसॉल्युबल फाइबर, दोनों आपका मोरिंगा में मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपका आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट के अगर बात करें तो उसमें विटामिन सी, विटामिन ई, प्रो विटामिन ए जिसको हम लोग बीटा कैरोटीन से जानते हैं, मैंगनीज, फॉस्फोरस और जिंक काफ़ी मात्रा में है। व्हीट ग्रास इज द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग पोटेंट एंटी ओबेसिटी एजेंट जैसे मोटापा के अगेंस्ट में ये काम करता है। ये एक सोर्स है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में पोटेशियम है, डाइटरी फाइबर्स है, विटामिन ए, सी, ई जैसे हम लोग अल्फा टोकोफेरल बोलते हैं वो है, और विटामिन के है। व्हीट ग्रास इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, विटामिन B6 एंड पेंटोथेनिक एसिड। आपका अगर मिनरल्स देखें तो यहाँ पे आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एंड सेलेनियम है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो जिन लोगों को सीलियरी डिजीज़ है जैसे वो गेहूं जो हजम नहीं कर सकते हैं, तो गेहूं का प्रोडक्ट जो हजम नहीं करता है इसको बोलता है सीलियरी डिजीज़। उस जो सेक्शंस ऑफ पीपल है वो व्हीट ग्रास लेना चाहिए उनको बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री है। अल्फा अल्फा एक टॉनिक है बॉडी के लिए, इज़ वेरी रिच इन क्लोरोफिल, कैरोटीन, प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स। इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी एंड विटामिन सी, ई एंड के। जिंजर आप लोग जाते हैं, अदरक जो बेसिकली गैस्ट्रोस्टिमुलेंट है, और ये एक कर्मिनेटिव जैसा काम करता है, हजम करने में का जो पाचन तंत्र है उसको हेल्प करता है, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोपेरासिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलिक जैसा डिजीज़ में ये काफ़ी असरदायक है। और जिन लोगों को कैंसर है जो केमोथेरेपी ले रहा है तो केमोथेरेपी लेने के टाइम में काफ़ी आपका नौशिया एंड वॉमिटिंग होता है जिसका ऊपर जिंजर काफ़ी असरदायक है। बीटरूट इज़ ए वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ फोलेट, जिसको फोलेट डिफिशियंसी है, जिसको एनीमिया है, उसके लिए बीटरूट काफ़ी असरदायक है। मैंगनीज और डाइट्री अगर फाइबर चाहिए आपको, सॉल्युबल फाइबर, उसके लिए भी बीटरूट के ऊपर आपको निर्भर करना पड़ता है। प्रो विटामिन ए जिसको हम लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं, इसका एक रिच सोर्स है पम्पकिन जो हम लोग टोटल में दिए हैं। इसके साथ विटामिन ए, सी और सॉल्युबल फाइबर्स भी दिए हैं। मिंट एक पुदीना जिसको हम लोग काफ़ी गैस्ट्रो इफेक्टिव है, और जिन लोगों का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है, काफ़ी डिस्टर्बिंग बीमारी है, जिसके लिए मिंट या पुदीना काफ़ी असरदायक है। स्वीट पोटैटो और मीठा आलू जो हम लोग खाते हैं दिन में, वो है एक सोर्स ऑफ सिंपल स्टार्च जो मेनली एक पावर हाउस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स। इसके साथ माइक्रो मिनरल्स जो होता है जैसे विटामिन B5, विटामिन B6 और मैंगनीज, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका स्वीट पोटैटो। ब्लैक सॉल्ट हम लोग जानते हैं जो काफ़ी असरदायक है, जो इसमें
काफ़ी मात्रा में सोडियम है, तो जिस पेशेंट्स को सोडियम डेफिशिएंसी है, सोडियम पोटेशियम की इम्बेलेंस है, इसके लिए ब्लैक सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस लैक्सेटिव और एज ए एंटी कॉन्स्टिपेटिव एजेंट हिसाब से इसको भी देखा जाता है, और फ्लैचुलेंस, हार्टबर्न और जिसको थायराइड का बीमारी है, इसके लिए ब्लैक सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग एक इन ए नॉटशेल अगर समरी करें तो टोटल का क्या असरदायक है, ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें डायट्री न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से मिनरल्स, ये सभी निर्दिष्ट मात्रा में है और काफ़ी मात्रा है जो सफिशियंट है आपको सप्लीमेंटेशन के लिए, आपका एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिज्म का बूस्ट करने के लिए टोटल इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आपका डैमेज सेल को रिपेयर करना, आपका स्लीप को बढ़ाना, आपको डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, ये सब करके आपका कार्डियक सिम्टम्स और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए टोटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फीमेल्स में जो डिजीज़ होता है, जैसे उसका महीना का प्रॉब्लम्स होता है, उसका मेनोपॉजल सिंड्रोम्स होता है, तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी असरदायक है टोटल। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो हार्ट डिजीज़ है, आपका इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम है, आपका एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है, आपका इफ़ यू आर ए कैंसर पेशेंट्स, आप खाने में आप इंट्रेंस अगर चला गया हो तो यू स्टार्ट टेकिंग टोटल। इसके साथ आपका लीवर फंक्शन, आपका एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और फ्लैचुलेंस का इंप्रूवमेंट के लिए टोटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टोटल इज़ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटी प्रोटोजोअल हिसाब से ये काम करता है, और जिसमें शरीर में जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर ऑन ए वेट रिडक्शन रेजिम, आपका अगर ओबेसिटी के साथ फाइट करना है तो यू शुड टेक टोटल, बिकॉज टोटल विज रिड्यूस योर इनपुट ऑफ फूड। इसके साथ आप अगर अबव 40 हो तो जहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी है और आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहा है तो वहाँ पे टोटल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल का डोज है दिन में एक पाउच, ये 30 ग्राम्स का पाउच होता है, जो एक पाउच सुबह 100 ml वाटर के साथ डिजॉल्व करके आपको लेना है, खाली पेट में लेना है, और आधा घंटा कुछ भी मत लीजिएगा जब आप टोटल ले रहे हैं। तो टेक टोटल रेगुलरली एंड फाइट योर विटामिन्स और मिनरल्स का जो भी आपका डेफिशिएंसी है वो पूर्ण करने में टोटल माहिर है। थैंक यू।